रहमान रहीम, आज की वीडियो में क्या है ख़ास? आज का टॉपिक है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के क्या मायने हैं? कंसिस्टेंट के मायने हैं जनाब कि अनचेंजिंग इन नेचर, स्टैंडर्ड और इफेक्ट। ए वाला इफेक्ट नहीं, ई वाला। नज़दीक कंसिस्टेंसी जो है इज़ इम्पॉर्टेंट मोर देन परफेक्शन। परफेक्ट क्या है परफेक्शन? परफेक्शन जब ही आएगी ना, जब कंसिस्टेंस होंगे, जब आप कुछ ही चीज़ को, किसी आदत को हमेशा के लिए, किसी स्टैंडर्ड को मुकर्रर कर लेंगे अपनी लाइफ को सेट करने के लिए कि ये मेरा गोल है, मैं अब कंसिस्टेंसी से इसमें आई विल बी सक्सेसफुल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। परफेक्शन तो बाद में आएगी, पहले आप कुछ करेंगे तो आपकी परफेक्शन आएगी ना। आपने कहा ना कछुए की खरगोश ही, कछुआ जो होता है कितना बेचारा मासूम, आहिस्ता ऐसा टमक 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 चल रहा था, लेकिन फाइनली और वो खरगोश ने उसकी इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और आराम करने लगे और ये खामोशी से अपनी मंजिल पहुँच गए, इन्होंने रेस जीत ली। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? कंसिस्टेंट रहा, वो हिम्मत नहीं हारा। तो भाई ये जब बात समझ में आ गई कि हमें कंसिस्टेंस रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के लिए हमें हर वक्त अपने आप को प्रोडक्टिव रहना है, अपनी जो आदतें, हमारा रूटीन है उसको मुकम्मल तौर पर रूटीन को कंटिन्यू रखना है। अगर हमने आदत बना ली कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम पे पढ़ेंगे, तो वो कंसिस्टेंस है। उसके लिए इतनी आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इंसान की दो लाइफ होती है, या तो पर्सनल लाइफ होती है या प्रोफेशनल, या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है। तो दो कैटेगरीज हो गई, कैटेगरी ए में पर्सनल लाइफ आ गई, कैटेगरी बी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आ गई। अब हर लाइफ चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या दोनों हो, आपको हर काम में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के बगैर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, किसी सूरत में नहीं हो सकते। तो जनाब मैं अपनी आपको स्टोरी बताती हूँ कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट ज़िंदगी में वो मैं कामयाब ना हुई, लेकिन नाकाम नहीं हुई, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी उसमें। तो जो गोल्स मुझे अचीव करने थे वो मैंने हासिल नहीं किए, तो वो प्रोग्राम जो है, प्रोजेक्ट फेल हो गए। अगर फेल हो गए तो मुझे अपने आप का एनालिटिकल अप्रोच करने की फुर्सत मिली। जब मैंने अपने आप को एनालाइज किया तो मैंने यही देखा कि मैं कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये फैक्टर था कि मैं उस चीज़ को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं कर पाई। उसकी वजह ये थी कि मैं पूरी तरह से उस चीज़ को अपना टाइम नहीं दे रही थी, उस दिन पूरे दिन में 1 घंटा भी उस पर टाइम नहीं दे रही थी। तो और इकट्ठा एक साथ करके मैंने निपटा दिया काम, बस यही मेरा फेलियर था। अगर आप उस किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह करना चाहते हैं, तो उसमें आप कंसिस्टेंसी का एलिमेंट शामिल करें तो आपको कामयाबी हो जाएगी। और काम कंसिस्टेंसी बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।